आपके साथ मैं हूं अनुजा। राहुल से किसान की मुलाकात पर सियासी तकरार शुरू हो गई है। वैष्णो देवी के रास्ते में हुई भेंट पर भाजपा ने पूछा था कि संयोग है या प्रयोग। सीएम बोले कोई तारीफ कर रहा है तो कोई रमन सिंह क्यों परेशान है। वहीं रायपुर चार घंटे पहले कोटाभरी में पारंपरिक वैद्यों के सम्मेलन में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोटेश्वर स्वयंभक शिवलिंग पर पूजा अर्चना की और वैष्णो देवी में एक छत्तीसगढ़ी किसान परिवार की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात पर सियासी बयानबाजी जारी है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शुक्रवार को पूछा था कि यह संयोग है या राहुल गांधी को खुश करने का प्रयोग है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को उनके बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि कोई तारीफ कर रहा है तो कोई रमन सिंह को तकलीफ क्यों हो रही है। वहीं धमकतरी के कोट सिल्वर धाम रवाना होने से पहले रायपुर पुलिस लाइन हेल्पलाइन पर प्रेस से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा और आरएसएस हमेशा गाय की राजनीति करती है, लेकिन दोनों ने गाय के लिए कुछ नहीं किया है। गोबर खरीदी की बात हो तो जिस तरह धान के दाम बढ़ने से धान का रकबा बढ़ा है, उसी तरह गोबर के भी दाम मिलने से डेयरी की संख्या बढ़ी है। आंकड़े उठाकर इसे देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ऐसा होने से भाजपा के सीने पर सांप क्यों लेट रहा है। रमन सिंह 15 साल तक सीएम रहे, कुछ नहीं कर पाए। अगर कोई व्यक्ति तारीफ कर दे तो उन्हें क्यों परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी से जम्मू में मिले भगवत वर्मा ने तो केवल 85,000 रुपए ही मिले हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको गोबर बेचने के एवज में 3 से 4 लाख रुपए मिल चुके हैं। वहीं भगवत वर्मा ने स्कूटी खरीदने की बात बताई है। कई लोग तो हाईवे हवाई जहाज में माता से मिलने जा रहे हैं। वहीं कोई मकान बनाकर रह रहा है, कोई शौचालय बनाकर, उसी में कई लोग बच्चों के स्कूल कॉलेज की फीस दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब भागवत वर्मा ने दर्शन के लिए पंजीयन कराया था तो उसे पता था कि क्या राहुल गांधी भी उसी दिन माता के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया है कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। 3 दिन के प्रवास का कार्यक्रम बनाकर उनके कार्यालय को भेजा जाएगा। प्रभारी मंत्री कवासी लखमार को भी बस्तर भेजकर प्रवास के कार्यक्रमों की तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले महीने राहुल गांधी के बैठक के दौरान उन्हें छत्तीसगढ़ आकर विकास कार्यों को देखने का निमंत्रण दिया था। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SBN 9 न्यूज के साथ।